हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है 11th के टॉपिक के साथ, यूनिट टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। ये टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। सो आज इस डायमेंशन एनालिसिस का बेसिक पार्ट हम करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है ये डायमेंशनल एनालिसिस, और हम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस निकालना सीखेंगे। ओके, नाउ मैंने अपने चैनल पे 9th और 10th का वीडियोज़ लगभग कंप्लीट कर लिया है और कुछ एक दो चैप्टर्स बचे होंगे। 9th में मुझे लगता है एक चैप्टर बचा होगा और 10th में लगभग एक चैप्टर उसमें भी बचा है। तो 9th और 10th के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो परेशान ना हो कि हमारा लेक्चर्स आना चाहिए बट आ रहा है 11th का टॉपिक, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका लेक्चर्स भी प्रॉपर वे में आएगा। कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट निकाल करके आपको सारा 9th और 10th में आपको प्रोवाइड कराऊँ, तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको भी समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये बेसिक टॉपिक, और आज क्योंकि मेरा फर्स्ट लेक्चर है 11th क्लास का, तो प्लीज़ विश मी लक एंड अ ग्रेट सक्सेस कि मैं अपने जर्नी में जो मैं चाहता हूँ वो इस तरह से लेक्चर चलता जाए और आपको सारा कंटेंट मिलता जाए। तो चलिए शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये तो चैप्टर 2 में ये टॉपिक आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखो क्या है डायमेंशनल एनालिसिस। क्लास 9th में अगर आपने मुझसे क्लास 9th में पढ़ा होगा तो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आपको मोशन पढ़ाने से पहले, काइनेमेटिक्स मोशन पढ़ाने से पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हमने डिस्कस किया था, देर आर 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। सो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनका यूनिट्स भी हमने देखा था। तो ये जो डायमेंशंस है, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को हम कहते हैं 7 फंडामेंटल और 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ओके, दैट मीन्स जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है हमारे पास, अगर हम उनके यूनिट्स को देखें तो सारे यूनिट्स से लेकर हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं, और उसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम 7 डायमेंशंस कहते हैं। ओके, लाइक लेंथ, लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल L, मास के लिए यूज़ करते हैं कैपिटल M, इस तरह आगे और भी बातें हैं। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक डबल ब्रैकेट। तो डायमेंशंस जब भी आप रिप्रेजेंट करो तो डायमेंशन को इस तरह डबल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। इस डबल ब्रैकेट का मतलब होता है हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं हम उस फिजिकल क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड पे बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसके डायमेंशंस के बारे में। दैट मीन्स जब हम इस डबल ब्रैकेट को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एक बात क्लियर है, दैट वी आर ओनली डीलिंग विद द डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मैं सारे क्वांटिटीज़ को यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, आप एक एक करके सबको नोट बनाते जाओ। सबसे पहले तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, 7 क्वांटिटीज़ हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अब इन सारे क्वांटिटीज़ का जब हम डायमेंशंस देखेंगे तो आपको मैंने अभी बताया डायमेंशंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल ब्रैकेट के अंदर। तो लेंथ का डायमेंशन कहलाएगा L, ओके, मास का डायमेंशन कहलाएगा M, सॉरी मास का डायमेंशन हम रिप्रेजेंट करेंगे M से, टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए यूज़ करेंगे या तो कैपिटल के केल्विन से आया या फिर थीटा, दोनों में से कुछ भी यूज़ करो गलत नहीं होगा, सही होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज़ करेंगे एम ओ एल, मोल, डबल ब्रैकेट। इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम एम्पियर से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैपिटल सी स्मॉल डी, सी डी। देखो डबल ब्रैकेट के अंदर ये सारे यूनिट्स हैं, या फिर आप बोल लो कि जो भी लेटर्स यहाँ पे लिखाया जा रहा है आपको डबल ब्रैकेट के अंदर, इसका ये मतलब है दैट हम सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस से डील करने वाले हैं इन सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के। ओके, नाउ लेंथ इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ का अगर हम SI यूनिट देखें तो लेंथ का SI यूनिट है मीटर्स। ओके, और हम कहते हैं कि SI यूनिट
के अकॉर्डिंग हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जिनमें से ये सारे क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और इसको छोड़ करके जो भी अदर क्वांटिटीज़ आएंगे, ठीक है, उसे कहते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और इन दोनों को छोड़कर, फंडामेंटल और डिराइव्ड को छोड़कर, हमारे पास दो अलग क्वांटिटीज़ और हैं जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ओके, जिसमें आ जाता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जब पैरेलेक्स मेथड में कराऊंगा आपको इस टॉपिक के बाद, तब मैं आपको बताऊंगा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल किस तरह से डिफाइंड है। फिलहाल हमें डायमेंशंस के बारे में सिर्फ समझना है, ओके। सो दीज आर दी 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, दीज आर कॉल्ड एज दी, अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स प्रॉपर बनाओगे, दीज आर कॉल्ड एज दी 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। इसे कहते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ओके, रब करें। देखो, ऐसे तो हमारे पास 7 डायमेंशंस है फिजिकल वर्ल्ड में, बट इन मैकेनिक्स, जब हम मैकेनिक्स से डील करते हैं या फिर हम जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स क्या होता है, ये ब्रांच का, ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो मोशन को स्टडी करता है, या फिर जिस कारण से मोशन हो रहा है, दैट मीन्स डायनामिक्स ऑफ मोशन, मोशन या फिर डायनामिक्स ऑफ मोशन को जो डील करे उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। जैसे आपने पढ़ा है काइनेमेटिक्स, ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन टू डायमेंशन, इस तरह का आपने पढ़ा होगा। जैसे लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, ये सारा टॉपिक आता है इसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर, ग्रेविटेशन, ये सब मैकेनिक्स के अंदर है। तो मैकेनिक्स में हम जनरली सारे डायमेंशंस को रखते हैं इन टर्म्स ऑफ M, L और T। हम सारे डायमेंशंस को M, L, T के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मास, सॉरी M, L एंड T इन मैकेनिक्स। अब देखिए इसमें हम किस तरह से और आगे क्या क्या समझना है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया गया और हमसे बोला गया उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस निकालो। जैसे सिंपल सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज़ को उठाऊंगा और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने 9th और 10th में या अब तक आपने जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ा है, फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, इजंट इट, वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिया, आपको बोला जाए फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एरिया, तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अगर तुम लिखना चाहते हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिखो। जैसे एरिया, एरिया का फॉर्मूला सबको पता होता है, दैट इट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, यही होता है एरिया का फॉर्मूला। अब यहाँ देखो, यूनिट्स देखो, जो भी क्वांटिटीज़ आ रहे हैं इसके टर्म्स में, अब इनका यूनिट देखो, यह है एल और यह है ब्रेथ, ओके, लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा, जब हम ब्रेथ मेजर करते हैं तो जनरली हम लेंथ ही तो मेजर कर रहे हैं, इजंट इट, मीटर्स में मेजर कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम किसी तरह का, तो हम इसे एल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर अगर हम इसका सिर्फ यूनिट देखें तो लेंथ को हम किस में मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मीटर्स में ही मेजर करेंगे, ब्रेथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में मेजर करेंगे, तो दोनों का यूनिट तो मीटर ही होगा, और मीटर किसका ऐसा यूनिट होता है, तो होता है लेंथ का, मतलब इसका डायमेंशन भी हो जाएगा एल और बी का डायमेंशन भी हो जाएगा एल, तो यहाँ से हमें मिलता है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल इंटू एल इज एल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे देखो, मैकेनिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सबको हम एम, एल और टी के फॉर्म में लिखना है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ डायमेंशन एल का पावर 2 दिख रहा है, बट यहाँ पे हम इस पूरे डायमेंशन को एम, एल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम एम ज़ीरो लिख सकते हैं, एल 2 लिख सकते हैं और टी 0 लिख सकते हैं, एम 0, L2 एंड T0। अब देखो, ये एरिया का डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला M, L और T के फॉर्म में है। जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आपको यहाँ पे मिलेगा, सब सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को M, L, T के पावर्स में रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे देखो, M का पावर 0, L का पावर 2 और T का पावर 0। अच्छा, ये M का पावर जो 0 है, ये इसका मतलब ये है कि ये एरिया मास पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है सिर्फ L पे, मतलब लेंथ पे डिपेंड करता है। देखो, L, ये भी लेंथ, दोनों का यूनिट मीटर, मतलब एल इंटू एल एल स्क्वायर। अब इसको लिखने का तरीका ये है, द डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशंस ऑफ एरिया आर डैश, नंबर 1 0 इन मास, इसका डायमेंशन क्या है, 0 इन मास, नंबर 2 2 इन लेंथ,
एंड नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या है, जीरो इन एंड जीरो इन टाइम। सर इस बात को समझो, डायमेंशन, डायमेंशन जो हम लिख रहे हैं MLT, ये MLT डायमेंशन नहीं है, दिस इज नॉट द डायमेंशन, ये MLT ये डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन होता है जो यूनिट का पावर होता है, जैसे देखो यहाँ पे एरिया का यूनिट था मीटर, दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया था लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ का यूनिट था मीटर्स, और मीटर मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, तो इनका जो मीटर से इसका जो पावर से रेज करता है, दैट मीन्स जो पावर होगा यहाँ पे, एम का पावर जीरो, तो जीरो इज द डायमेंशन इन मास, टू इज द डायमेंशन इन लेंथ एंड जीरो इज द डायमेंशन इन टाइम, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो अलग अलग क्वांटिटीज का पावर देखोगे, पावर कहलाता है डायमेंशन। जैसे यहाँ देखो, लेंथ हैज टू डायमेंशंस, ओके, डायमेंशंस ऑफ एरिया, ओके, टू इन लेंथ, मतलब ये हो गया कि लेंथ में दो डायमेंशन है, मास में जीरो डायमेंशन है और टाइम में जीरो डायमेंशन है, ये मतलब हो गया। अगर इसका आप डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन बुक में इस तरह से लिखा रहता है कि डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच अ फिजिकल यूनिट, टू विच अ यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज रेस्ड। लिखना चाहते हो तो लिख लो, डायमेंशन आर द पावर्स, डायमेंशंस आर the powers to which a fundamental unit, to which a fundamental units are raised। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो पावर्स रेज किया जा रहा है, दैट इज द डायमेंशन। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें सेकेंड एग्जाम्पल, वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम का डायमेंशन निकालते हैं। ओके, वॉल्यूम, सो वी नो दैट वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो इन तीनों का यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ का यूनिट मीटर है, ओके, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर है, हाइट का यूनिट भी मीटर है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल डबल ब्रैकेट, एल डबल ब्रैकेट, एल डबल ब्रैकेट, तो यहाँ से बन गया एल का क्यूब। ठीक है, अब ये वॉल्यूम का डायमेंशंस भी मास और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हम मास और टाइम को जीरो कर सकते हैं, एम जीरो एल थ्री टी जीरो, इसी फॉर्म में लिखना, एम एल टी के फॉर्म में लिखना, तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशन क्या हो गया, जीरो इन मास, इजंट इट, थ्री इन टाइम एंड सॉरी थ्री इन लेंथ, थ्री इन लेंथ एंड जीरो इन टाइम, जीरो इन टाइम। इसी तरह के लैंग्वेज लिख लोगे अगर एग्जामिनेशन में तुमसे पूछे डायमेंशन बताओ, तो डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम आर जीरो इन मास, थ्री इन लेंथ, जीरो इन टाइम, इस तरह से। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वेलोसिटी का निकालते हैं डायमेंशंस। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बेसिक लेक्चर है, स्टार्टिंग लेक्चर है, इसीलिए मैं बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं लेने वाला हूँ, मैं क्वेश्चंस वही लूँगा, वही फिजिकल क्वांटिटीज लेने वाला हूँ जो आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे अगर मैं ले लूँ प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए, तो आप नहीं बता पाओगे। ओके, जैसे मैं बोलूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए, तो आप नहीं बता पाओगे। तो पहले हम उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को कर लेते हैं जिनका फॉर्मूला आपको पहले से पता है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर देखते हैं नेक्स्ट उसके बाद वीडियो में जो भी वीडियोस आए, तो उसमें हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी डायमेंशन निकालना सीखेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट का भी सीखेंगे, और ये बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, तो सबका धीरे धीरे सीखेंगे। पहले अभी बेसिक सीखो क्या है, किस तरह से निकालते हैं। जैसे ये वेलोसिटी है, अच्छा वेलोसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट हम जब मेज़र करते हैं तो एक्चुअली हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं, मीटर्स में, मतलब हम जब डिस्प्लेसमेंट मेज़र करेंगे तो एक तरह से हम लेंथ मेज़र कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे द डायमेंशन इज एल, एल का पावर वन, दैट मीन्स हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं ना मीटर्स में, दैट मीन्स लेंथ हो गया ये, डिवाइडेड बाय टाइम को, टाइम के लिए हम टी यूज़ करते हैं। अब देखो इसे हम लिख कैसे पाएंगे, दिस इज एल और टी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा टी माइनस वन, दैट मीन्स द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज वन इन एल एंड माइनस वन इन टी, और मास में क्या डायमेंशन है तो जीरो है, तो यहाँ पर लिख लेंगे मास के लिए एम जीरो एल टी माइनस वन, क्योंकि मास में कोई डायमेंशन नहीं है। कॉपी करेंगे, सरअप कर देते हैं। चलो अब देखो वेलोसिटी को, तो इसे हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी
dimensions of velocity are dash 0, number 1, 0 in mass, second, 1 in length, and number 2, minus 1 in time. या फिर इतना भी लिख सकते हो, 0 इन m, 1 इन l, माइनस 1 इन t, इस तरह से भी लिख सकते हो. अब देखो, ये तो हो गया डायमेंशन. अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो क्या लिखोगे? डायमेंशनल फार्मूला क्या है वेलोसिटी का? सो यहाँ देखो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज, ये जो हमने लिखा है ना डबल ब्रैकेट के साथ अंदर में जो भी है, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फार्मूला, एम ज़ीरो एल टी माइनस वन. डायमेंशनल फार्मूला इज एम ज़ीरो एल टी माइनस वन. अच्छा, डायमेंशनल इक्वेशन पूछे तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? तो डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा वेलोसिटी के लिए वी डबल ब्रैकेट इज इक्वल टू एम ज़ीरो एल टी माइनस वन. ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन. अब देखो, इक्वेशन, फार्मूला और डायमेंशन में क्या क्या डिफरेंस है. जब सिर्फ पूछे डायमेंशन बताइए तो पावर्स देखना है, 0 इन m, 1 इन l एंड माइनस 1 इन t, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशन. डायमेंशनल फार्मूला पूछ दे तो ये पूरा फार्मूला लिख लेना है, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला. और डायमेंशनल इक्वेशन पूछ दे, इक्वेशन कब बनता है? जब किसी स्टेटमेंट में एक LHS हो, एक RHS हो, और दोनों को हम सेपरेट करें विद एन इक्वल टू साइन, तो ये कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन. तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया LHS का पार्ट, ये हो गया इक्वेशन का पार्ट मतलब इक्वल टू का पार्ट, और ये हो गया RHS का पार्ट. V इज फॉर वेलोसिटी, दैट मींस वेलोसिटी का, वेलोसिटी जब हम ब्रैकेट लगा रहे हैं डबल ब्रैकेट, इसका ये मतलब है कि हम वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन से डील कर रहे हैं, वेलोसिटी के डायमेंशन के साथ हम डील कर रहे हैं. इसका मैग्नीट्यूड, इनिशियल, फाइनल, इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज, ये सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम हमें सिर्फ वेलोसिटी का तुम डायमेंशन बता दो, इसका ये मतलब है. डबल ब्रैकेट के अंदर अगर वेलोसिटी है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ हमें डायमेंशन बता दो. तो इसका डायमेंशन है m0lt-1 एंड दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन. अब यहां पे बात ये है कि वेलोसिटी का सिर्फ हम, क्योंकि यहां पे देखो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो वेलोसिटी है यहां पे, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस है, एवरेज है, या फिर क्या है, हमें नहीं पता चल रहा है. ठीक है, तो आप इस तरह समझ सकते हो कि वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है हमारे पास, हमें ये डायमेंशनल फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बताएगा. ये वेदर इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, वेदर इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, वेदर इट इज़ 100 मीटर पर सेकेंड, हमें इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलता. बट हाँ, हमें डायमेंशंस पता चल जा रहा है कि वेलोसिटी किन किन डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है. जैसे मास पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है. इतना इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गया. क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? यस. चलो ज़रा इसको निकाल कर दिखाओगे. डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, जरा एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाल कर दिखाइएगा. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेलरेशन का. अच्छा, मैं जिस क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को टिक कर रहा हूँ, आपको इनका डायमेंशंस ऐसे याद करना है. सारे डायमेंशंस को याद नहीं करना है, टेंशन मत लो. जितना मैं बता दूंगा आपको, टिक कर दूंगा, उतने डायमेंशंस को आपको याद रखना है. जैसे एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, ठीक है? उसी तरह एक्सेलरेशन का भी आपको याद रखना होगा. पहले निकाल लो, अगर नहीं पता तो पहले निकाल लो, उसके बाद याद करेंगे. एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. अच्छा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन, तो यहाँ लिख लो एल टी माइनस वन, ठीक है? ये लिख चुके हम. डिवाइडेड बाय टाइम का क्या होता है? टाइम का होता है टी, ठीक है? अब कितना चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, डायमेंशन से हमें वो पता थोड़ी ना चलेगा. तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ इसका डायमेंशन देख रहे हैं. कितना चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता डायमेंशन को. वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता. अब यहाँ देखिए, क्या हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या ये बन जाएगा एल टी माइनस टू? क्लियर है? अच्छा, इसे हम एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसे हम लिखेंगे एम, एम एम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है एक्सेलरेशन, तो ज़ीरो एल टी माइनस टू. तो यह ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन. बट अगर तुमसे पूछे डायमेंशन बताओ तो ज़ीरो इन मास, वन इन एल, माइनस टू इन टी. ये हो गया इसका डायमेंशन. अब इसे भी आपको याद रखना है, एल टी माइनस टू याद तो रहेगा ना. एक्सेल वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू,
वेलोसिटी का LT माइनस वन, एक्सेलरेशन का LT माइनस टू. ओके, LT माइनस वन फॉर वेलोसिटी, LT माइनस टू फॉर एक्सेलरेशन. इज दैट क्लियर? चलिएगा आगे देखिए. एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास है फोर्स, हमारे पास है फोर्स. फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, न्यूटन का सेकेंड लॉ. फोर्स होता है MA, मास इनटू एक्सेलरेशन. अच्छा, मास का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल M, isn't it? और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन आपको याद होना चाहिए LT माइनस वन, सॉरी LT माइनस टू, LT माइनस टू. तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन बन गया MLT माइनस टू, isn't it? मल्टीप्लाई कर दो अंदर में MLT माइनस टू. और इसे भी आपको याद रखना है, फोर्स का भी डायमेंशन याद रखना है. बहुत सारा डायमेंशनल फार्मूला तुम डिराइव कर सकते हो अगर ये सब याद रखोगे तो. वेलोसिटी LT माइनस वन, एक्सेलरेशन LT माइनस टू, एंड फोर्स LT, सॉरी यस LT माइनस टू एंड फोर्स MLT माइनस टू. ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा फोर्स का? MLT माइनस टू. डायमेंशंस क्या हो जाएगा फोर्स का? वन इन मास, वन इन L, माइनस टू इन टी. ओके, अच्छा इक्वेशन क्या हो जाएगा? डायमेंशनल इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है तो डबल ब्रैकेट के अंदर फोर्स लिख लो, कैपिटल F इज इक्वल टू MLT माइनस टू. इसका मतलब क्या है कि हम फोर्स का सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस के साथ डील कर रहे हैं, डबल ब्रैकेट के अंदर है. दैट मीन्स हम फोर्स का सिर्फ डायमेंशंस से डील करेंगे, तो MLT माइनस टू. क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन बनाते जाओ, सिंपल लगता जाएगा, आपको डरना नहीं है. बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये डायमेंशन, आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो. अब बुक में बहुत सारा डायमेंशंस निकाल कर दे देता है ना, तो सारे डायमेंशंस को याद करने का ज़रूरत आपको नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है सिर्फ. अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो डायमेंशंस आप डिराइव कर सकते हो. अब फोर्स के बाद हम लिखते हैं डेंसिटी. चलो फटाफट ये सब डिराइव करके दिखाओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चंस. डेंसिटी का निकालिए, देन प्रेशर, देन वर्क, देन एनर्जी. ओके, एनर्जी. चलिए ये सब सिंपल सिंपल सारा क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे. वीडियो पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे. पहले डायमेंशंस निकालो सभी का. हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए. डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो. डेंसिटी का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए. डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. ठीक है, मास का डायमेंशन कैपिटल M, वॉल्यूम का हमने निकाला था स्टार्टिंग में ही L क्यूब. L क्यूब तो क्या बन गया, ये उधर लिखूँ तो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, ये एम एल टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा. यहाँ लिख दूँ, ये बन जाएगा एम एल क्यूब टी टू द पावर ज़ीरो. ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला एम एल थ्री टी ज़ीरो. नेक्स्ट, सो सॉरी, दिस इज एल टू द पावर माइनस थ्री, दिस इज एल टू द पावर माइनस थ्री. एल ऊपर चला जाएगा ना, एम एल टू द पावर माइनस थ्री टी ज़ीरो. अच्छा, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया. बहुत लोग कहते हैं प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, जो कि बिल्कुल गलत है. प्रेशर वो फोर्स है, प्रेशर उस फोर्स के कारण आता है जो परपेंडिकुलर होता है. जैसे ये तुम्हारे पास एक सरफेस है, अब इस सरफेस में तुम्हारे पास इस तरह से एक फोर्स है, तो इसके कारण कोई प्रेशर नहीं बनेगा. इस फोर्स का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट देखो, इस फोर्स का दो कॉम्पोनेंट होगा, एक ये कॉम्पोनेंट होगा और एक ये कॉम्पोनेंट होगा. अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा. ठीक है, कॉम्पोनेंट्स एंड ऑल, रेजोल्यूशन एंड ऑल मैंने नाइन्थ क्लास में ही आपको पढ़ाया था. अगर आपने मेरे लेक्चर से, मेरे वीडियो से नाइन्थ क्लास नहीं किया है, तो आपको मैं बताऊंगा जब वेक्टर्स में पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में. मैं आपको वेक्टर्स पढ़ाने वाला हूं, तो आपको समझ आएगा रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स किस तरह से हम करते हैं. दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा. तो ये जो प्रेशर बनेगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स के कारण बनेगा, परपेंडिकुलर फोर्स जो सर्फेस पे परपेंडिकुलर, इसके कारण कोई भी प्रेशर नहीं बनता. तो इसे कहते हैं हम एफ परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर फोर्स है. हमें सिर्फ डायमेंशन चाहिए, तो फोर्स का डायमेंशन देखो, इसीलिए मैंने बोला था आपको याद रखना है आपको फोर्स का डायमेंशन क्या है. दिस इज एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स. और एरिया का डायमेंशन है एल स्क्वायर. इससे तुम बनाओगे तो ये आ जाएगा एम
एल माइनस टू पर चला जाएगा, टू पर जाएगा माइनस टू हो जाएगा, वन माइनस टू हो जाएगा माइनस वन, एंड दिस इज टी टू द पावर माइनस टू। सो प्रेशर का ये डायमेंशन होगा, प्रेशर का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, देख लेना, वन इन एम माइनस वन इन एल एंड माइनस टू इन टी। नेक्स्ट वन इज वर्क, जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, इजंट इट, और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा एल, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा एल। तो यहाँ से देखो, दिस इज एम एल इंटू एल एल स्क्वेयर एंड दिस इज एल टू द पावर माइनस टू, तो डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वेयर, डायमेंशनल फार्मूला हो गया एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। क्लियर, एनर्जी का देखिए, अच्छा ये एनर्जी क्या है, वर्क और एनर्जी, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, इन दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, वर्क और एनर्जी का, आई थिंक दोनों का जूल्स होता है कि नहीं, इन दोनों का एसआई यूनिट होगा जूल्स। जब दोनों का एसआई यूनिट सेम है तो दोनों का डायमेंशन भी बराबर होगा कि नहीं, लिख लो नोट करके नीचे, क्वांटिटीज जिसका एसआई यूनिट बराबर हो, क्वांटिटीज ऐसे दो क्वांटिटीज जिनका एसआई यूनिट सेम हो उनका डायमेंशन भी सेम होता है, नीचे लिख लो, ऐसे यूनिट्स जिनका, सॉरी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका एसआई यूनिट सेम हो उनका डायमेंशन भी सेम होता है। तो अब एनर्जी का फॉर्मूला लिखने का तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो डायमेंशन फोर्स का सेम डायमेंशन, जो डायमेंशन फोर्स का सेम डायमेंशन आपका हो जाएगा एनर्जी का, सॉरी वर्क का, जो डायमेंशन वर्क का सेम डायमेंशन एनर्जी का, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों का एसआई यूनिट होता है जूल्स। आई थिंक इतना क्लियर हो गया आपको। अब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो अगर आपको फॉर्मूला बता दिया जाए तो। एक एग्जांपल मैं आपको लेकर डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं पूछूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये मैं अपने नाइन्थ क्लास के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, जब मैं आपको फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ाया था नाइन्थ क्लास में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब पता है, अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशंस बता पाओगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो आपको ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा कि क्या है ये, कैसा इसका डायमेंशन निकाला जाए। देखो मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी, दिस इज रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, रिलेटिव डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4°C। ये होता है रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम इसे बोल सकते हो। डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का तुम डेंसिटी ले रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर उसे कंपेयर कर रहे हो डेंसिटी ऑफ वाटर से, और वाटर का डेंसिटी हम ले रहे हैं 4°C पे, तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी में या रिलेटिव डेंसिटी में ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, ऊपर और नीचे डेंसिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी आ गया, ठीक है, क्या इसका कोई यूनिट होगा, इसका क्या कोई यूनिट होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि डेंसिटी का भी यूनिट है kg per meter cube, और नीचे का डेंसिटी है इसका भी यूनिट है kg per meter cube, ऊपर और नीचे kg per meter cube और kg per meter cube कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो है, तो इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होगा। बात समझ आ रही है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी डायमेंशन नहीं है, और जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसे हम कहते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। बात समझ आई, दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ नो डायमेंशंस, इट इज़ डायमेंशनलेस। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से समझ लो, हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद आ रहा होगा आपको, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यही होता था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, ये है क्वेश्चन नंबर 11। देखो बहुत सारे क्वांटिटीज को आज मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको, बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू
स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, यही होता था। अब दोनों ऊपर नीचे देखो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन नहीं होगा। इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ नो डायमेंशन बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। क्लियर? अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको बनाओ, लीनियर मोमेंटम, जो आपने नाइन्थ क्लास में मोमेंटम पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम, उसे ही कहते हैं हम लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम अगर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए निकाल रहे हो तो उसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ऐसे एंगुलर मोमेंटम भी होता है, बट फिलहाल तुम लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन निकाल कर देखो, आता है या नहीं तुम्हें। लीनियर मोमेंटम, बच्चा लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा ये मास का डायमेंशन तो कैपिटल एम होगा, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी का डायमेंशन तो एल टी माइनस वन होगा, हाँ या ना? होगा ना, वेलोसिटी मैंने पहले ही आपको बोला, ये सब याद रखना है आपको। वेलोसिटी एल टी माइनस वन और मास का तो एम हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बता सकते हो, कैपिटल जी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या डायमेंशन होगा, ज़रा निकाल कर देखते हैं इसे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और सोचो ज़रा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ से आया होगा। हमने क्लास नाइन्थ में एक चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन, वो होता था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, वो होता था जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। याद आया कुछ? ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है क्लास नाइन्थ में ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो ये होता था जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो हमें जी का डायमेंशन चाहिए, तो पूरे फॉर्मूले को जी के रेस्पेक्ट में लिखो या जी के इसके फॉर्म में लिखो, तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन इन टू एम टू। क्लियर? अब देखिए हमें चाहिए जी का डायमेंशन, है ना, तो हम जितना भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, जो भी क्वांटिटीज़ हैं, सब का डायमेंशन पुट कर देंगे। हमें चाहिए जी का डायमेंशन, जी का डायमेंशन हमें चाहिए, तो हम एफ का डायमेंशन लिख लेंगे। एफ इज़ फोर्स, एफ का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। क्लियर? आर का हो जाएगा, क्योंकि आर, ये आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये डिस्टेंस है सेपरेशन, तो इसे हम मेज़र करेंगे लेंथ में, मीटर्स में, डिवाइडेड बाई एम वन एम टू मतलब एम स्क्वायर। ये हो गया। चलो अब सबको अरेंज करते हैं, ये बन जाएगा एम, और ये एम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एम माइनस वन। ये है एल, एल इंटू एल हो जाएगा एल स्क्वायर। उसके बाद ये टी माइनस टू है तो ये बन जाएगा टी माइनस टू। ये हो गया डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। क्लियर? उसी तरह नेक्स्ट देखो, पावर, पावर, पावर का डायमेंशन निकालो। चलो निकालो पावर का डायमेंशन, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो निकाल पाओगे, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब निकालो, पावर हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितना काम किया जा रहा है उसे कहते हैं पावर, दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब देखिए वर्क डन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा टाइम। अच्छा ये देखो फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन, इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है कैपिटल डिवाइडेड बाय टाइम का है कैपिटल टी। दिखाई पड़ रहा है ना नीचे? चलो थोड़ा बहुत दिख रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा छिपा है, एक सेकेंड रुक जाओ। तो चलिए भाई अब प्रॉपर है, ओके। अब देखो यहाँ से हम डायमेंशन बनाते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं। ये हो गया m, और कहीं m तो नहीं है, मतलब ये हो गया m, ठीक है। ये t ऊपर जाएगा, पहले l देख लो, l l इंटू एल एल स्क्वायर, ठीक है। ये t ऊपर जाएगा, हो जाएगा माइनस वन, सो माइनस टू प्लस माइनस वन हो जाएगा t टू दी पावर माइनस थ्री। पावर का डायमेंशन m l स्क्वायर t माइनस थ्री, ठीक है। अगर किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ मिस्टेक हो रहा है मेरे से, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, इसी तरह होगा। हो सकता है स्लाइट मिस्टेक हो जाता होगा कैलकुलेशन में या फिर डायमेंशन लिखने में, बट तरीका यही है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ध्यान नहीं रहता, तो आप यहाँ पे जैसे 2 है तो इसे माइनस 2 लिखने के प्लेस पे आप 2
टू ही लिखोगे ऊपर ले जाकर तो इस तरह का मिस्टेक हो जाता है। तो कहीं पे अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि मैं उसे रेक्टिफाई कर दूँ बाद में, ठीक है। पावर का ये हो जाएगा। अब मैं कुछ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़, अब बताना इसका डायमेंशन क्या क्या होगा। सरफेस टेंशन, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं इतना क्वेश्चंस करा रहा हूँ सिर्फ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि डायमेंशन टफ नहीं है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन। नेक्स्ट इज थ्रस्ट, नेक्स्ट इज टेंशन, नेक्स्ट वन स्ट्रेस एंड नेक्स्ट वन लास्ट वन स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, चलिएगा बताइएगा। सबसे पहले सरफेस टेंशन। अच्छा, सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन होता क्या है पता है आपको? ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर आपको ये नहीं पता, इसका फॉर्मूला नहीं पता, तो आप नहीं निकाल सकते हो। इसीलिए सारे क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला एटलीस्ट याद कर लेना है। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स के लिए हमारे पास एम एल टी माइनस टू और लेंथ के लिए हमारे पास एल, तो ये बन जाएगा एम एल ऊपर चला जाएगा तो एल से एल कट जाएगा, तो ये बन जाएगा एम एल ज़ीरो टी माइनस टू। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। नेक्स्ट थ्रस्ट। देखो थ्रस्ट और टेंशन ये दोनों एक फोर्स है, ओके। थ्रस्ट और टेंशन, थ्रस्ट क्या होता है? एक परपेंडिकुलर फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। टेंशन क्या है? टेंशन जो स्ट्रिंग में खिंचाव के कारण जो फोर्स डेवलप होता है, जैसे रस्सी में, रस्सी को खींचो जोर से तो टेंशन फोर्स डेवलप होगा। एक धागे को पकड़ के खींचो तो ऊपर नीचे टेंशन फोर्स हो जाता है, ठीक है। जो खिंचाव से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है खिंचाव के कारण, उसे कहते हैं हम टेंशन फोर्स। ये दोनों एक तरह का फोर्स है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, क्योंकि ये फोर्स है तो डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। थ्रस्ट भी एक फोर्स है, टेंशन भी एक फोर्स है। स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू और एरिया के लिए एल स्क्वायर। तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो हमें मिलेगा यहाँ से एक एल और एक एल कट जाएगा, एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हो गया इसका डायमेंशन। उसी तरह स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है बच्चों चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, डेल्टा एल बाई एल। कितना लेंथ का चेंज हुआ है एक मीटर लेंथ में या फिर एक यूनिट लेंथ में, कितना चेंज हुआ है? तो ऊपर भी एल है नीचे भी एल है, देखो दोनों को हम मीटर्स में ही ना कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे, दोनों का यूनिट क्या होगा? मीटर्स ही तो होगा। तो ऊपर भी एल नीचे भी एल, लेंथ और लेंथ कल गया, मतलब दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशनलेस। वो कट गया है डायमेंशनलेस, थोड़ा सा देख लेना, वो समझ जाना दैट दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके। मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। चलो लिख ही देते हैं, इट हैज नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। तो इतने सारे क्वांटिटीज़ के साथ हम अपना पहला लेक्चर 11th का ख़त्म करते हैं। ज़रूर बताना लेक्चर कैसा है, ताकि और मैं इसके बाद डायमेंशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और लेकर आऊँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशंस का ये एप्लीकेशंस कितना है, डायमेंशन कहाँ हम यूज़ करते हैं कहाँ यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। ऐसे मैंने इस लेक्चर में आपको एक लिमिटेशन तो बता दिया डायमेंशन का, डायमेंशन से सिर्फ आप ये बता सकते हो किन किन डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, बट आप ये नहीं बता सकते कि उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, वेदर इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, वेदर इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, आपको ये समझ में नहीं आएगा। बट मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है, ये आपको समझ आएगा एल टी माइनस वन से। तो ठीक है, तो इतना रहने देते हैं आज के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और दूसरा टॉपिक, सॉरी इसी में इसी का दूसरा लेक्चर, इसी टॉपिक का दूसरा लेक्चर हम करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।